पति बनना चाहता था करोड़पति, तो पत्नी की इस चीज का करने लगा व्यापार। आगे जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। विकी डोनर एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को इंस्पायर करने के साथ एक व्यापार भी सिखाया है। इस फिल्म ने पुरुषों को स्पर्म डोनेट के लिए इंस्पायर किया, तो वहीं महिलाओं को एग डोनेट के लिए भी। जहां बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से पुरुष स्पर्म डोनेट करने पर पैसे कमाते हैं, तो वहीं अब IVF क्लिनिक्स पर ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो एग डोनेट करके पैसा कमाना चाहती हैं। IVF एक संपर्क ने बताया कि फिल्म विकी डोनर के बाद उनके क्लिनिक पर एग डोनेट करने के लिए आने वाली कई कॉलेज गर्ल्स ने दिलचस्पी दिखाई है। पैसों की जरूरत को पूरा करने का नया तरीका। पैसों की जरूरत के लिए अक्सर लोग ये काम कर रहे हैं। बता दें, 2 से ज्यादा बार एक डोनेट करना औरतों के शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है और जिससे मरने का खतरा भी बना रहता है। इसकी वजह से जहां एक डोनेट से किसी के घर में चूल्हा जलता है, तो वहीं कोई औरत मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पति करता था पत्नी के अंडाणु का दान। सामने आई इस खबर ने सबको हैरान ही कर दिया है। पैसों के लालच की वजह से पति अपनी पत्नी का अंडाणु बेचा करता था। इसके लिए वह उसे अलग अलग शहरों में ले जाया करता और मना करने पर वह पत्नी को पीटने लगता था। रिपोर्ट के हिसाब से इस महिला की उम्र 25 साल है। अंडाणु बेचने से महिला हुई परेशान। महिला से पूछताछ करने पर पता चला कि वे अहमदाबाद के पास वे जलपुर में रहती है। इससे पहले 2010 तक वे ओमान में रहती थी और बाद में वे अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई आ गई। फिर महिला का परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया और उसने अफजल खान पठान से 2010 में शादी कर ली। लेकिन पति के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वे वापस मुंबई आ गए। लेकिन जब अफजल को मुंबई में भी कोई नौकरी नहीं मिली, तो वे फिर से अहमदाबाद लौट आए। महिला ने पुलिस में की शिकायत। अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर अफजल ने अपनी पत्नी को अजमेर, उदयपुर और वडोदरा ले जाकर उसके अंडाणु डोनेट करने पर मजबूर किया। महिला को लगने लगा कि पति उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद महिला के साथ मारपीट की गई। ये सब होने के बाद महिला ने पति का घर छोड़ दिया और अपने भाइयों के पास आ गई और सरखेज पुलिस स्टेशन में पति और सास ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जांच हुई शुरू। मामला दर्ज होने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने मुंबई मिरर को बताया है कि उन्होंने महिला की मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।